तो चलिए जी, आज चलते हैं दुबई, सिंगापुर से दुबई। तो हम इस वक्त सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। हम जा रहे हैं डिपार्चर हॉल की तरफ। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट इंतहाई खूबसूरत एयरपोर्ट है और काफ़ी बड़ा है। चार टर्मिनल हैं इसके, T1 से लेके T4 तक। हम लोग इस वक्त टर्मिनल 3 के ऊपर हैं। काफ़ी अलाइव है इस वक्त टर्मिनल, देखिए कितना ह्यूज चमकदार है, साफ़ सुथरा टर्मिनल है। हर तरह की फैसिलिटीज़ इस टर्मिनल के ऊपर मौजूद हैं, ड्रिंकिंग वाटर से लेके गुड टॉयलेट्स पानी के साथ सब कुछ है। ये देखिए कितना खूबसूरत इन लोगों ने यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना के रखा है। ग्रीन पौधे हैं, काफ़ी गार्डनिंग इसके अंदर की हुई है। आप हैरान होंगे ये सुन के कि सिंगापुर एयरपोर्ट के अंदर एक सिनेमा भी है जो फ्री है, आप सिनेमा देख सकते हैं। इसके अलावा सनफ्लावर गार्डन है, स्मोकिंग एरिया है और खाना, लेटर मैं आपको फूड कोर्ट्स दिखाऊंगा जिसके ऊपर खाना मिलता है इंतहाई सस्ता, जितनी सिंगापुर आम नॉर्मल जगह के ऊपर प्राइस होती है उसी प्राइस के ऊपर मिलता है। तो ये देखिए हर तरह की आउटलेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। गेट्स पर जाने से पहले ये आपके पैसे खर्चवाना चाहते हैं, आपके पास हर तरह की बुटीक्स मौजूद हैं, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, कोच, एलवी, हर तरह की ब्रांड आउटलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ऑफ़ कोर्स दारू पीने वालों के लिए दारू भी मौजूद है। हम चल रहे हैं गेट की तरफ। ये देखिए सिंगापुर बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड के बारे में लिखा था। सेकेंड फ्लोर के ऊपर यूजुअली जो है आपके रेस्टोरेंट्स हैं और आपके प्रीमियम लाउंज। ये देखिए बर्बरी की बुटीक है यहाँ पे, वाह। इसके अलावा और भी बहुत सारी शॉपिंग की प्लेसेस हैं अगर आप शॉपिंग में हैं। सेंट लॉरेंट, अमेस, ओ वाह, गुची गुची, प्राडा प्राडा, ये रही गुची, फोला, और इसके बाद मेरी फेवरेट रोलेक्स। अभी गेट्स हैं हमारे, सब गेट्स का नंबर लिखा हुआ है, काफ़ी सारे गेट्स इकट्ठे हैं। ट्रांसफ़र टर्मिनल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड के ऊपर हैं। इंफॉर्मेशन और अराइवल के बोर्ड्स लगे हुए हैं, सब इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हैं। अगर आप घूमना चाहें भी तो घूमेंगे नहीं। और वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड ये भी इनको मिला था, वो भी इन्होंने लगा के रखा है। वाकई इतना ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। और ये रहा हमारा गेट, जहाज़ रेडी है हमारा सिंगापुर एयरलाइन का। वो देखिए खड़ा है हमारा जहाज़ हमें लेके उड़ने के लिए। तो अभी जहाज़ पे जाने से पहले हम आपको लेके चलते हैं एयरपोर्ट की सैर पे। तो ये है एयरपोर्ट की बेसमेंट, फूड हेवन, हर तरह की फूड यहाँ पे मौजूद है, वाओ। और प्राइसेस जो हैं वो बहुत अच्छी प्राइसेस हैं, मींस अगर आप नॉर्मल एक फूड कोर्ट से खाना खाते हैं तो आप $5 और $10 पर डिश देते हैं, तो यहाँ पे भी वही प्राइस है, कोई प्राइस चेकअप नहीं की, मार्कअप नहीं किया हुआ। फार्मेसी है, फार्मेसी में भी सब, गार्डियन फार्मेसी है लेफ्ट के ऊपर, तो इसके अंदर भी प्राइसेस अब वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, आउटसाइड सिंगापुर में होती हैं, बिल्कुल वही प्राइसेस हैं। इसके अलावा आपको कुछ बॉडी शॉप से चाहिए ले सकते हैं आप। ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, ये भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे है और काफ़ी फेमस है। ये देखिए छत को कैसी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है, ट्रीज़ की तस्वीर बना रखी है और स्काई है, बहुत खूबसूरत लगता है। कैमरा की आंख से तो उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है जितना रियल में लगता है, क्योंकि कुछ फ्लिकरिंग नज़र आ रही है। ये देखिए फूड, हर तरफ कितनी फूड्स की दुकानें हैं। तो सिंगापुर में ये बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग एयरपोर्ट जाते हैं फ़्लाइट लेने के लिए नहीं, खाना खाने के लिए, ये बहुत कॉमन है, जस्ट पार्क करते हैं और खाना खाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है खाना,
देखिए, शॉपिंग क्लास में ना, शॉपिंग अगर आपको करनी है फ्लाइट पे बैठने से पहले तो जोर्डानो, वेरी गुड। और ये देखिए, हर तरह की वैरायटी है फ्लाइट्स के लिए। क्लोथ अगर आपको चाहिए, कॉटन आन के कपड़े चाहिए हैं, और वेरी वेरी रिजनेबल प्राइस, मीन्स अ नॉर्मल शर्ट विल कास्ट यू $10 to $15, $20, और जो ट्राउजर्स हैं वो $30 से $50, और यही प्राइस आपको सिंगापुर में भी मिलती है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ सोफ़ास रखे हैं बैठने के लिए, बच्चों के एंटरटेन करने के लिए। यहाँ पे प्लेग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए, ताकि बच्चे बिजी रह सकें और आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि मैं पहले बता रहा था, एयरपोर्ट के अंदर आपको सिनेमा भी मिलता है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको सिनेमा दिखाने की कोशिश करूँगा, फ्री है। उसके अंदर टाइम्स होते हैं स्क्रीनिंग के, और स्क्रीनिंग के टाइम के ऊपर अगर आप चाहें तो आप मूवी देख सकते हैं फ्री में वहाँ बैठ के। किड्स टाइम, ये खिलौनों की दुकान है, बच्चों को दूर रखिएगा, सेहत के लिए हानिकारक है ये दुकान बच्चों की। ये देखिए एटमॉस्फेयर कितना अच्छा इन लोगों ने बना रखा है, लाइट्स लगा के उसको, और क्लीनिंग जो है वो हर वक्त यहाँ पर रहती है। ये देखिए, ये एक छोटी सी मल्टीपर्पज़ शॉप है जिसके अंदर आपको ब्यूटी आइटम से ले कर स्कार्फ, शर्ट्स, पैंट्स, लेडीज़ वैरायटी, हर तरह की चीज़ मिलती है। ये सबवे है, और देखिए आपको नज़र आया $5 में मील सबवे का। होकाइडो जैपनीज फूड शॉप है, यूजुअली टार्ट्स, पेस्ट्रीज, बंस होते हैं यहाँ पे। मिक्स शॉप है, जैसा कि नाम बता रहा है, हर तरह की मिक्स चीज़ें हैं इसके अंदर। ये देखिए नट्स बार, यू कैन गो नट्स। ये देखिए पूरी एक शॉपिंग हेवन है, मींस फेयर प्राइस फाइनेंस, मींस ग्रोसरी शॉप है जो वो पूरी की पूरी एक ग्रोसरी शॉप जैसे होती है, बिल्कुल वही मुझे। अभी हम खाना ढूंढ रहे हैं और देखते हैं आज हम खाना कहाँ खाते हैं। मेरा खाने को दिल है चिकन राइस, तो मैं ढूंढ रहा हूँ चिकन राइस और उसके साथ एक ज़बरदस्त सी कॉफ़ी। हमें फूड कोर्ट मिल गई है, चलिए चलते हैं फूड कोर्ट के अंदर। बामियान, ये भी मेरा एक फेवरेट स्टॉल है, लेकिन आज नहीं। फिश बॉल नूडल्स, वाओ, हर वक्त डिलीशियस, हर वक्त मज़ेदार, खाने का मज़ा हर वक्त। काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं फूड को। काफ़ी चाइनीज़ डिश का स्टॉल है ये, कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे खाने के लिए। खाना हो सकता है इनमें से बहुत कम लोग फ्लाइट ले रहे हों, बाकी सब खाना खाने के लिए सिर्फ आए हों। ये देखिए मेरा फेवरेट चिकन राइस स्टॉल, देखिए पूरा चिकन लटका के रखा है और उसके पीसेस हैं। प्राइसेस आपको नज़र आ रही हैं, और ये हलाल है, बहुत रिजनेबल प्राइसेस हैं। और इस फूड कोर्ट का नाम है कॉफीतियाम, ये कॉफीतियाम के अंदर आती है, जो एक कंपनी है फूड कोर्ट्स बनाती है सिंगापुर में। ये देखिए ड्रिंक्स का स्टॉल, मुझे कॉफ़ी लेनी है यहाँ से। सिंगापुर में कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त होती है, इंतहाई डार्क, इंतहाई ब्लैक। ये रहे मेरे चिकन राइस, बहुत मज़ेदार, और मेरी काली स्याह कॉफ़ी। लीजिए जी, अभी हो गया है फ्लाइट का टाइम, तो वापस चलते हैं जहाज़ की तरफ। तो हमारा जहाज़ रेडी खड़ा है, बोर्ड करते हैं फ्लाइट को। फ्लाइट होपफुली काफ़ी टाइम होगा उसके अंदर, खाली होगी, हमें जगह अच्छी मिल जाएगी और सफ़र हमारा अच्छा गुजरेगा। चलो जी चलते हैं जहाज़ के अंदर। गरीब आदमी है, इकोनॉमी क्लास में ही जाएंगे ऑफ कोर्स। हमेशा की तरह काफ़ी खूबसूरत है ये टनल भी, और ये रहे हम जहाज़ के अंदर, एंटरटेनमेंट सिस्टम और जहाज़। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए सिंगापुर के बारे में या कनाडा के बारे में, तो मुझे कमेंट कीजिए। बाय बाय।